बजे लगे थे लाइन में आप? एक बजे रात को लगे है ना। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आप सभी का स्वागत है मेरे और एक नए ब्लॉग में। और मैं अभी सुबह सुबह पहुंच चुका हूं बाबा धाम के मंदिर प्रांगण में। अभी लगभग 4:15 बज रहा है और अंदर में अभी बाबा का कच्चा जल पूजा हो रहा है। और ये जो है बाह्य अर्घा के पास मैं खड़ा हूं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से कांवरिये यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं बाबा का कपाट खुलने का। और अभी जो है कच्चा जल जो पूजा हो रहा है वो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी प्रकार से हर दिन बाबा का कच्चा जल पूजा होता है सुबह का समय, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पास एक पुराना क्लिप भी है, वो भी मैं ऐड करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए किस प्रकार से बाबा का सुबह सुबह पूजा होता है। तो देखा आपने किस प्रकार से यहाँ पर कच्चा जल पूजा हो रहा है। अब कुछ ही देर में जो है बाबा का कपाट खुलेगा और सभी कांवरिये यहाँ पर जलार्पण करेंगे। तो 4 बजे लगभग जो है ये कपाट खुल जाएगा। चलिए मैं अभी मंदिर प्रांगण का नजारा आपको दिखाता हूँ। आज मंदिर को भी जो है फूलों से सजाया गया, तो चलिए एक झलक वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद जब कपाट खुलेगा तो बाबा का पूजा जैसे होगा, जलार्पण यहाँ पर कांवरिये करेंगे, वो भी आगे दिखाएंगे। तो ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। तो चलिए बाबा के मंदिर से ही इस ब्लॉग को प्रारंभ करते हैं। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं लाइन जो है वहां पर संस्कार मंडप के पास रुका हुआ है और पूरा लाइन इधर आपको अभी खाली दिखेगा। जब बाबा का कपाट खुलेगा उसके बाद ही सभी कांवरियों को यहां पर आगे की तरफ भेजेंगे, तभी वो आगे जाकर बाबा का दर्शन पूजा करेंगे, बाबा पर जलार्पण करेंगे। और इधर जो है आपको मैया पार्वती का मंदिर भी दिख रहा है और यहां एलईडी स्क्रीन पर जो अभी प्रातःकालीन पूजा हो रहा है कच्चा जल का पूजा, वो आपको देखने को मिल जाएगा। और कुछ इस प्रकार का बाबा का आंगन दिख रहा है, पूरा आंगन अभी आपको फांका दिख रहा है। और पूरे मंदिर प्रांगण में जो है आपको इस प्रकार का नजारा देखने को मिलेगा। सभी मंदिरों को फूलों से सजाया गया है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नजारा देखने में लग रहा है बाबा धाम का, और मंदिर प्रांगण खाली नजर आ रहा है। चलिए इधर से आगे की तरफ चलते हैं जहां पर बाह्य अर्घा है। और इधर आप देख सकते हैं कितने अधिक संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। सब जो है आप लोगों के सेवा में ही रहते हैं, आप लोग अच्छे से जलार्पण कर सके, इसलिए जो है आप लोगों के सेवा में सभी पुलिसकर्मी भी लगे हुए रहते हैं। तो मैं हर बार बोलता हूं उनके बातों को सुनते हुए अच्छे से जो है आगे बढ़े और अच्छे से सुगमता पूर्वक बाबा का दर्शन पूजा करें और भी कांवरियों को दर्शन करने दे। देख सकते हैं पूरा जो है फूलों से सजाया गया है मंदिर को। बाह्य अर्घा भी आपको दिख रहा होगा, वहां भी फूल से सजाया गया है। और यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से हजारों कांवरिये खड़े हैं लाइन में लगकर बाबा का दर्शन पूजा करने के लिए। और ऊपर में एलईडी के माध्यम से अभी बाबा का कच्चा जल का पूजा देख रहे हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए बाह्य अर्घा में आपको दिखा रहा है। और यहाँ पर बमजी से बात करते हैं कितना बजे लाइन में लगे हैं, बताइए बमजी कितना बजे लगे थे लाइन में आप? एक बजे रात को लगे है ना, उसके बाद वहीं पर बैठे हुए तब। चलिए अब हो चुका है, लगभग 5 मिनट बचा हुआ, उसके बाद आप बाबा पर जलार्पण कर देंगे। ऊपर में देख सकते हैं अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर जो पूजा चल रहा है। और लाइन आप देखिए किस प्रकार से जो है लगी हुई है, ये बाह्य अर्घा में आपको दिखा रहा हूँ। मंदिर प्रांगण में बाह्य अर्घा में जलार्पण करने के लिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं इतने कांवरिये लगे हुए हैं और जो है मंदिर को भी बहुत ही अच्छे से सजाया गया है। तो आप सोच सकते हैं बाहर में कितना ज्यादा लाइन लगा होगा, कितने अधिक कांवरिये पहुंच रहे हैं मलाई मास में बाबा का दर्शन पूजा करने के लिए। और जो पंडा बाबा लोग अभी अंदर में पूजा कर रहे थे बाबा का, वो धीरे धीरे यहाँ से निकल रहे हैं और पुलिसकर्मी अंदर जा रहे हैं। अब कुछ ही देर में अर्घा लगेगा और जब बाबा पर जलार्पण प्रारंभ होगा जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए अभी एलईडी स्क्रीन बंद हो चुका है क्योंकि अब अर्घा लग रहा है अंदर के तरफ, और उससे पहले बाह्य अर्घा लगा दिया जाता है और बाह्य अर्घा में जलार्पण पहले ही प्रारंभ हो जाता है। तो कुछ ही देर में बाह्य अर्घा में जलार्पण प्रारंभ होगा और बाह्य अर्घा का भी लाइन आप देख सकते हैं पूरे जो है आंगन में भरा हुआ है और वीआईपी गेट के तरफ से लाइन आती है। तो देख सकते हैं जिनका पूजा हो चुका है वो धीरे धीरे इस प्रकार से बाहर के तरफ जा रहे हैं। तो निकास द्वार में फिर से आपको दिखा रहा हूं, देखिए सबों ने बाबा का दर्शन पूजा कर लिया और आप बाहर निकल रहे हैं देख सकते हैं। और जो भी सामग्री पूजा का लेके अंदर गए थे वो सामग्री लेकर बाहर आ चुके हैं। अब कुछ ही देर में जलार्पण प्रारंभ होगा और इस प्रकार से बाह्य अर्घा से जलार्पण जो है प्रारंभ हो चुका है। बाह्य अर्घा को लगा दिया गया और सभी कांवरिये इस प्रकार से बाबा का दर्शन पूजा कर रहे हैं, बाह्य अर्घा के माध्यम से बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। देख सकते हैं आप यहां पर जो है हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। यहां भी आप देख सकते हैं इतना लंबा जो है अर्घा दिया गया है ताकि अच्छे से कांवरिये यहां पर जलार्पण कर सके, लेकिन इतना ज्यादा भीड़ हो जाता है, इतने ज्यादा कांवरिये पहुंचते हैं कि इस जगह में भी जलार्पण करना जो है असंभव जैसा हो जाता है। बहुत ही मुश्किल से यहां पर भी कांवरिये जलार्पण कर पाते हैं। देख सकते हैं आप कितना ज्यादा जो है भीड़ है बाह्य अर्घा में जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं आपको ये वीडियो दिखाने के लिए घर से लगभग 3 बजे निकलता हूं और तभी जाकर जो है 3:30 बजे के करीब मंदिर पहुंचता हूं, उसके बाद मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं। देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहां पर कांवरिये बाह्य अर्घा के माध्यम से बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत नजारा बाबा धाम मंदिर प्रांगण का सोमवार
सोमवार के दिन मलई मास का सोमवार, सावन मेले के जो है आप बोल सकते हैं बंगला सावन का भी सोमवार, या फिर सावन का चौथा सोमवार आप बोल सकते हैं, तो कुछ इस प्रकार का नजारा अभी देखने को मिल रहा है। कोई कोई कांवरिए तो जल के ढक्कन को भी नहीं खोल पा रहे थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप इस प्रकार से लाइन में लगते हैं तो जैसे ही आप देखिएगा आप जलार्पण प्रारंभ होगा तो आप अपने गंगा जल के डब्बे को ढक्कन को जो है खोल लीजिएगा, ताकि आप वहां पर जाने के बाद आप आसानी से जलार्पण कर सके। नहीं तो आप जो है बाहर की तरफ फिर से निकल के आ जाइएगा, आप जलार्पण भी नहीं कर पाइएगा। बहुत ही ज्यादा भीड़ रहता है, आप देख पा रहे होंगे। इस भीड़ में अगर आप ढक्कन खोलने जाइएगा तो आपको धकेलते हुए बाहर की तरफ कर दिया जाएगा, आप जलार्पण भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको पहले से ही बता देता, आप पहले से ही अपने गंगा जल के डब्बे को ढक्कन को खोल कर रखिएगा, ताकि जैसे ही आप अर्घा के पास पहुंचिएगा आप वहां पर जलार्पण कर देंगे। इस प्रकार से जो है आपका जल बाबा के माथे पर चढ़ जाएगा, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं ये बाह्य अर्घा है, और यहां पर भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु जलार्पण कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके इस प्रकार का वीडियो बना पाते हैं, इतने ज्यादा भीड़ में खड़ा रहकर वीडियो बनाते हैं, तो इसलिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब आपको मंदिर प्रांगण हम दिखाते हैं। तो कुछ ऐसा नजारा है बाबा धाम के मंदिर प्रांगण का, और ये आपको मैं निकास द्वार दिखा रहा हूं। देखिए अब भी जो है निकास द्वार से पंडा बाबा जी लोग वहां से निकल ही रहे हैं। अब अंदर का जो है जलार्पण प्रारंभ होगा, अंदर का अब अर्घा लग चुका है, कुछ ही देर में अंदर भी जलार्पण प्रारंभ हो जाएगा। अभी बाहर का जो है जलार्पण हो रहा है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए दाहिने तरफ आपको वो भी देखने को मिल रहा है, बाह्य अर्घा के माध्यम से जलार्पण हो रहा है। और ये जो आप रस्सी देख रहे हैं, जब सभी कांवरिए वहां पर जलार्पण करेंगे बाह्य अर्घा के माध्यम से, या फिर बाबा के मंदिर में अंदर के अर्घा से, उसके बाद आपको इसी रस्सी से आगे जाना है, तभी आप बाबा के मंदिर से आगे बढ़ते हुए मैया पार्वती के मंदिर में जाने वाले लाइन में लग सकेंगे। तो कुछ ऐसा भी नजारा मंदिर प्रांगण का आपको दिख रहा होगा, पूरा मंदिर प्रांगण अभी आपको फांका नजर आ रहा है, क्योंकि सिर्फ बाह्य अर्घा का ही जो है जलार्पण प्रारंभ हुआ है। अंदर के अर्घा का जलार्पण जब प्रारंभ होगा तब सभी कांवरिए ये जो रस्सी दिख रहे हैं इसके बीच से इस प्रकार से बाजार होते हुए घूमते हुए आएंगे और मैया पार्वती के मंदिर में आकर जलार्पण करेंगे। जिन्होंने अभी जलार्पण कर लिया बाह्य अर्घा से, वो इस प्रकार से जा रहे हैं मैया पार्वती का दर्शन पूजा करने के लिए, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए अब जो है धीरे धीरे मंदिर प्रांगण भरना प्रारंभ हुआ, ये बाबा बैद्यनाथ का मंदिर मैं आपको दिखा रहा हूं। सभी मंदिरों को सजाया गया है, वो तो आपने पहले ही देखा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ देर बाद जो है LED स्क्रीन भी प्रारंभ होगा, वहां पर भी आपको बाबा का दर्शन होगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। चलिए छोड़े जाते हैं कुछ बाह्य अर्घा के जलार्पण के वीडियो के साथ।